क्रिकेट के सुपर फास्ट लाइव स्कोर के साथ पहली बार हिंदी में क्रिकेट की तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए डाउनलोड करें क्रिकेट हंट ऐप को गूगल प्ले स्टोर से और एंजॉय कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश के बीच खेला गया दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया का काफी शानदार प्रदर्शन रहा, जिसके चलते भारतीय टीम ने दूसरा टेस्ट मैच भी एक पारी और 46 रनों के बड़े अंतर से जीत हासिल कर ली है और दो टेस्ट मैचों की सीरीज में सुपड़ा साफ कर दिया है बांग्लादेश टीम का, क्लीन स्वीप कर दिया है, 2-0 के अंतर से सीरीज जीत ली है। और अब बारी है वेस्ट इंडीज की टीम की, जहां पर बांग्लादेश का सीरीज तो खत्म हो चुका है और अब इस बार वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम दौरा करने वाली है भारत का, जहां पर इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच एक काफी ज्यादा रोमांचक काफी बड़ी सीरीज खेली जाएगी। दोस्तों, वेस्टइंडीज के भारत दौरे पर सबसे पहले 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी और 3 ओडीआई मैचों की सीरीज खेली जाएगी, लेकिन अब यहां पर बीसीसीआई ने चेंज कर दिया है इस सीरीज का पूरा कार्यक्रम और दोबारा घोषित कर दिया, दोबारा अनाउंस कर दिया इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच होने वाले सभी मैचों का पूरा कंफर्म शेड्यूल। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच होने वाले के पूरे कंफर्म कार्यक्रम और शेड्यूल के बारे में कि सारे मैचेस कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे और कितने बजे से स्टार्ट होंगे, और आपको बताने वाले हैं इस सीरीज के लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कि आप लाइव कैसे देखेंगे अपने टीवी चैनल्स और मोबाइल फोन पे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप भी क्रिकेट के फैंस हैं, क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब तो अगर हम बात करें वेस्टइंडीज टूर ऑफ इंडिया 2019, जो कि वेस्टइंडीज के भारत दौरे पर सबसे पहले 3 टी20 उसके बाद 3 ओडीआई मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जो कि ये कंफर्म है। अगर हम बात करें सीरीज के बारे में तो ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी 6 दिसंबर 2019 से और 22 दिसंबर 2019 को ये सीरीज खत्म होगी। अब दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर तो गाइस, पहले जो शेड्यूल अनाउंस हुआ था उसके मुताबिक पहला टी20 मैच जो कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन अब यहां पर पहला टी20 मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो वहीं शेड्यूल के मुताबिक जो पहले अनाउंस हुआ था उसके हिसाब से तीसरा और आखिरी टी20 मैच जो कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन अब जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है नया और कंफर्म, तो अब इसके हिसाब से तीसरा और आखिरी टी20 मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। तो गाइस, चलिए बात करते हैं इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच होने वाले सभी मैचों का पूरा कंफर्म शेड्यूल और कार्यक्रम। अगर हम बात करें तो भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मैच 6 दिसंबर 2019 फ्राइडे को खेला जाएगा हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। दूसरा टी20 मैच 8 दिसंबर 2019 संडे को खेला जाएगा, जो कि तिरुवनंतपुरम ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में। तो वहीं इसके बाद तीसरा और आखिरी टी20 मैच खेला जाएगा 11 दिसंबर 2019 वेडनेसडे को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और ये तीन के तीनों ही टी20 मैच शाम को 7 बजे से स्टार्ट होंगे, यानी कि शाम को 7 बजे से स्टार्ट होंगे 7 AM से। अब दोस्तों, इसके बाद 3 ओडीआई मैचों की सीरीज खेली जाएगी इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच, जिसका पहला ओडीआई मैच जो कि 15 दिसंबर 2019 संडे को खेला जाएगा चेन्नई के एमएच चिदंबरम स्टेडियम में, जबकि दूसरा ओडीआई मैच 18 दिसंबर 2019 वेडनेसडे को खेला जाएगा विशाखापट्टनम के राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में, जबकि तीसरा और आखिरी वनडे मैच 22 दिसंबर 2019 संडे को खेला जाएगा कटक के बराबती स्टेडियम में। और ये तीन के तीनों ही मैच तीनों ही ओडीआई मैच दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होंगे, यानी कि 2 PM से। तो गाइस, ये है बीसीसीआई ने जो नया शेड्यूल अनाउंस किया है इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच होने वाले सारे मैचों का, ये कंफर्म कार्यक्रम है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर इस सीरीज के लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कि आप लाइव कैसे देखें अपने टीवी चैनल्स और मोबाइल फोन पे, तो गाइस, आप इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच होने वाले सारे ही मैचेस जो कि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री में। तो इसके अलावा अगर अपने मोबाइल फोन पर देखना चाहते हैं तो आप हॉटस्टार मोबाइल ऐप पर लाइव देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।